ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 2400 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चोरों ने बहुरूपी बन लूटा ट्रक, बंदूक की नोक पर ले गए लोडेड गाड़ी। पूरा मामला क्या है, क्या हुआ ड्राइवर के साथ, कैसे दिया गया वारदात को अंजाम, इन सब का खुलासा आज की ब्रेकिंग न्यूज में। दोस्तों, हर बार कहीं भी ऐसे ही हाथ देकर गाड़ी रुकवा ली जाती है आरटीओ डीटीओ या पुलिस कर्मियों द्वारा, और ड्राइवर बेचारा करे तो क्या, अब लुटेरे या असली आरटीओ को पहचानना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। ऐसा ही हुआ चालक राकेश के साथ, जो डूंडवा के रहने वाले हैं। उनके साथ ट्रक में मौजूद थे खलासी रिजवान तेली। ये दोनों गाड़ी में चावल लोड करके हरियाणा से गुजरात जा रहे थे, लेकिन इन्हें क्या मालूम था कि सफर रोज की तरह आसान नहीं होने वाला है। जिस गाड़ी पे ये निकले थे उसकी संख्या है HR56A8056, LPS4018 मॉडल गाड़ी है टाटा कंपनी की, जो RTA जींद हरियाणा से रजिस्टर्ड है सुभाष के नाम से, जो गाड़ी मालिक है। चालक राकेश, जिनसे हमारी बात भी हुई है, उनका कहना है कि 5 फरवरी को करीब रात के 2:15 बजे सुजानगढ़ के पास से एक बुलेरो गाड़ी उनका पीछा करने लगी। लाडनू जो राजस्थान में है वहां से 3 किलोमीटर आगे निम्बी जोधा हाईवे पर आकर उनको ट्रक रोकने का इशारा किया, ठीक वैसे जैसे आरटीओ करते हैं और गाड़ियां रुकवाते हैं, और उनकी गाड़ी पर आरटीओ तक लिखा हुआ था। ये ध्यान देने वाली बात है, यानी मजे से लुटेरे गाड़ी में आरटीओ लिखवा कर घूम रहे थे और कानून सो रहा था, शायद रात को सो जाते होंगे। कितनी दूर तक पीछा किया गया, कोई पेट्रोलिंग वाला नहीं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, इशारा करने के बाद चालक ने अपनी गाड़ी रोकी। उन्हें भी लगा कि आरटीओ हैं, पर ये तो लुटेरे थे, लूट के मकसद से आए थे। लगभग 7 लोग गाड़ी से उतरे और पिस्तौल से और डंडों से उन पर हमला कर दिया। चालक और खलासी को अगवा करने की कोशिश की गई, ट्रक की पूरी तलाशी ली, पर्स छीन कर उसमें से 10,000 रुपए निकाल लिए। जब गाड़ी में से कुछ और नहीं मिला तो पूरा ट्रक ही लेकर फरार हो गए। यही नहीं, चालक और खलासी को बुरी तरह पीटा। हमले के दौरान खलासी रिजवान का दांत भी टूट गया, दोनों जख्मी हो गए। पर हाँ, एक गलती कर गए लुटेरे, मोबाइल नहीं लेके गए, जो चालक के लिए वरदान साबित हुआ। पर हाँ, हिम्मत देखिए लुटेरों की, पूरा का पूरा लोडेड ट्रक ही लेकर फरार हो गए, और ये हिम्मत इस वजह से थी कि कानून लापरवाह था। हमले के बाद चालक ने अपने मोबाइल से 100 नंबर पर पुलिस को जानकारी दी। पर चलो, थोड़ी तेजी दिखाई यहाँ पर पुलिस वालों ने और तुरंत मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही दोनों चिल्लाने लग गए और पुलिस ने फुर्ती दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया। लगभग 15 किलोमीटर तक बदमाश ट्रक भगाने में कामयाब रहे। टोल प्लाजा निम्बी जोधा, जो लाडनू से लगभग 15 किलोमीटर ही पड़ता है, वहां जाकर उनकी घेराबंदी कर ली गई। अपने आप को फंसता देख ट्रक बुलेरो छोड़ के भाग निकले लुटेरे। पुलिस ने दोनों चीजें बरामद कर ली। उसके बाद आगे की कार्रवाई की तो 4 लुटेरों को तो पकड़ने में कामयाब रहे, पर 3 अब भी फरार हैं। वो 3 लुटेरे कब पकड़े जाएंगे इसका तो अब वो पुलिस वाले ही बता सकते हैं। पकड़े जाएंगे भी या नहीं, या ये बात ठंडे बस्ते में ही पड़ी रह जाएगी। पर यकीनन यहाँ लापरवाही की जिम्मेदारी तो पुलिस वालों की बनती है। अगर पेट्रोलिंग होती या जगह जगह नाके लगे होते तो इतनी दूर आरटीओ गाड़ी पर लिखवा कर सायरन बजाते हुए ट्रक का पीछा ना कर पाते, ना ये घटना हो पाती। अब कानून को अपने गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है और पुख्ता बंदोबस्त करने की भी आवश्यकता है। आज की ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, देखते रहिए ट्रांसपोर्ट टीवी। दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी का बीमा खत्म हो चुका है और नए बीमे के लिए इंस्पेक्शन की जरूरत है तो ट्रांसपोर्ट मॉल को संपर्क करें। खर्चा तो कम होगा ही, देश के किसी भी कोने में आपकी गाड़ी हो, हमारा सर्वेयर वहां पर पहुंच जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि गाड़ी का बीमा सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल के प्लेटफॉर्म से। 90831 पर अभी अपनी गाड़ियों के नंबर व्हाट्सएप करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। Facebook पर लाइक करें हमारा पेज और Twitter पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।